पार्थ आर्यन, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके, स्टार्टिंग इन अ मिनट। Hello everyone, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Any doubts related to properties? Yes, anyone? Sir, जो आपने homework दिया था उसमें question number 19 में doubt था. Question number 19 में आज, ठीक है, okay. और दोनों recordings सबने देख ली थी? दोनों recordings? Yes, sir. दोनों, ठीक है. ओके, कौन सा क्वेश्चन था पार्थ? सर क्वेश्चन नंबर 19, वो क्वेश्चन नंबर 19, ओके ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 7.11. क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले यही करते हैं, तो इसके बाद आगे कराता हूँ आज. एनीवन, किसी ने ये क्वेश्चन कर लिया हो? ये जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, फिर से भी नहीं हुआ था. और कोई नहीं? अच्छा ठीक है. सबसे पहले हमने इसमें 0 to A लगा ली प्रॉपर्टी, तो पहले इसको I लेट कर लिया होगा. तो 0 to A f of x gx dx, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हमने I लेट कर लिया. फिर यूजिंग प्रॉपर्टीज क्या किया हमने? यूजिंग प्रॉपर्टीज 0 to A क्या आएगा? f(a-x, gx) और g(a-x, dx). इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, अब हमें क्या किया, अब हमने क्या किया, इसको ऐड किया. तो 2y की वैल्यू क्या बन गई? 0 to A f(x, gx) dx प्लस 0 to A f(a-x, ga-x). ये याद है सबको, ऐड करना होता था, याद आ रहा है? यस सर. ओके, अब f(a-x) की प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन? f(x). तो 2y की और gx की जगह इन प्लेस ऑफ gx, सर वो तो कॉमन लेके फिर 4 लिख लेंगे fx को. अच्छा ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने माइनस 0 to A, तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, और फिर यहाँ पे g(a-x) था ना, कोई डाउट तो नहीं आ तक? प्लस आएगा,
सॉरी प्लस हो गया, ठीक है। और फिर हमने क्या कॉमन ले लिया, दोनों इंटीग्रल्स में से क्या कॉमन ले लिया, जीरो टू ए एफ एक्स, और यहां आ गया जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ जी ऑफ ए एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स वी कैन राइट फोर। ओके, सो 2i will be equal to 4 times 0 to a f of x dx. ठीक है, ये तो आ गया आंसर ना, ये तो आंसर आ गया। यस सर। ठीक है, इजी लगा या नहीं? हाँ सर, वो ऐड करना भूल गया था मैं, वो भूल गया था। देखो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो इंटीग्रेशन है वो प्रैक्टिस करते करते ही आती है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इंटीग्रेशन का कि आपने मतलब एक वीक का गैप दिया या दो दिन का गैप दिया तो हो गई इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज अ मिथ। सो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको ना अपने स्ट्रेटेजी सेम रखनी है, ठीक है, स्ट्रेटेजी अगर सेम रखोगे ना हर क्वेश्चन की, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन की जो जीरो टू से जीरो से ए तक होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपको आंसर तक ले जाएगा। ठीक है, तो क्या है स्ट्रेटेजी, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को क्या लेना है, फर्स्ट इक्वेशन, और फिर सेकंड को क्या लेना है, उसमें प्रॉपर्टी लगा के सेकंड इक्वेशन, देन वी हैव टू ऐड। ओके, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना बच्चे। एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस? नो सर। ओके, नाउ मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं, इंट्रोड्यूस भी क्या बोलूं, सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दूंगा, और उसके बाद हम आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स एंड 3D। ओके, और इंटीग्रेशन के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, बस मैंने 9.1, 9.2 और 9.3 अभी कवर नहीं करी है, क्योंकि उसमें सब में डिफ्रेंशिएशन है। मेरी बात समझ आ रही है? उसमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स है। ओके, तो मैं आपको बता भी दूंगा, आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा जिसमें सारा जो उसमें मटेरियल होगा वो आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन है जो हमें नेक्स्ट करना है, ठीक है, तो यहां पे देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी स्टेप आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो मुझे उसी टाइम बताना है। क्लियर? उसी टाइम बताना है। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी सबसे पहले, लेट आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेट आई इज इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई log of 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस cos x। हाँ, इसको तो हमने क्या ले लिया, फर्स्ट। अब हमने क्या किया, आई जब प्रॉपर्टी लगाई, साथ में रीजनिंग वगैरह तो लिखी दोगे, तो 0 टू पाई लगाई तो log हो गया 1 प्लस cos पाई माइनस x, जो कि आप और करके क्या लिख सकते हो, 0 टू पाई log 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे रीजनिंग क्या दे दोगे, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस कॉस थीटा। फिर हमें क्या करना है, इसको 2 लेट करना है, जब हम ऐड करेंगे 1 एंड 2 तो क्या होगा, 1 एंड 2 जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2i की वैल्यू आ जाएगी 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 0 टू पाई log 1 माइनस cos x dx। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता? अब सपोज करो मैं यहाँ पे log m प्लस log n लगाता हूं, तो फाइनली हमारी नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहां से लिख रहा हूं, तो 2y की वैल्यू कोई डायरेक्ट बता सकता है, 0 टू पाई सर 2 log sin x। अरे अच्छा, आपने पहले ये पहले ये किया होगा? यस सर, फिर वो साइन स्क्वायर एक्स, उसका 2 नीचे आ गया, उसका 2 नीचे आ गया, तो 0 टू पाई log
साइन स्क्वायर एक्स और फिर एन लॉग एम लगा के जीरो टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स और टू नीचे आ गया तो टू कैंसिल हो गया एवरीवन यस सर। सो फाइनली हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया एक तरह से अगर आपने ऑब्जर्व किया हो जीरो टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। यहां तक सब देख लो एक बार, कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लेना बच्चे। एनी डाउट्स सर? एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा दो। ये लो। यस सर। और भी किसी ने कुछ भी पूछना है तो पूछ लेना बच्चे, ठीक है? ओके अच्छा क्या लगता है हमने कितने स्टेप्स किए, हमने कितने स्टेप्स किए? ऑलमोस्ट सर अराउंड मतलब अराउंड 6-7 उनको आप मर्ज करके 4 बना सकते हो, ठीक है? तो यहां तक अभी आपका कोई मार्क नहीं है, हाफ मार्क कह सकता हूं बस। अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो हाफ मिल जाएगा आपको, ठीक है? बट अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है? अब ना मैं आपको एक एनसीईआरटी में कुछ दिखा रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करना और मुझे बताना क्या समझ आया, ठीक है? ओके इस क्वेश्चन को इससे मैच करो, इस क्वेश्चन को इससे मैच करो सर। तो वो 0 to π/2 times π/2 हो जाएगा, 0 to 2a वाला। हाँ लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पाई को पाई बाय टू की तरह सॉल्व करना है, वो मैं अब आपको बता रहा हूं, ठीक है? अच्छा अब इसमें एक बार 0 to a दोबारा लगाना, इसमें 0 to a एक बार और लगाना सब, 0 to a वही आ जाएगा। तो यानी आप समझ जाओगे बाय चांस अगर आपके सामने कोई न्यू क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाओगे, अच्छा 0 to a वापिस लगाने पर कोई भी हमें नया इंटीग्रल नहीं मिल रहा, इसका मतलब 0 to a का काम खत्म हो चुका है। इज दैट क्लियर? ठीक है yes, sir. अब मैं टोटल प्रॉपर्टीज दोबारा दिखाता हूं आपको, बिकॉज बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी इस क्वेश्चन में लगने वाली हैं, ठीक है? तो लेट्स से आपके सामने यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है, जिसमें से एक मैंने डिस्कार्ड कर दी थी, उसको छोड़ देना, इसको मैंने हटा दिया था, ठीक है? इसको छोड़ देना। तो अब बताओ ये प्रॉपर्टी आपको कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? 0 to π आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी में जीरो से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में जीरो से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ एक्सेप्ट P5 सर, P4 और P6। एक तो कौन सा? P4 और एक P6। यस सर। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि कौन सी लगाने वाले अब हम? P6, क्योंकि P4 से तो वापस ही वही आ रहा है। तो मैंने क्या किया नेक्स्ट पेज पे, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था वो तो ये था, क्या जीरो, हम यहां तक पहुंच चुके थे कि 0 to π लॉग साइन एक्स, लेकिन इसमें दोबारा प्रॉपर्टी लगा के हमारे पास वो क्वेश्चन, मतलब साइन पाई माइनस एक्स अगर करते भी है तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो मैंने क्या किया यहां पे इसको लिख दिया आई इज इक्वल्स टू 0 to π/2, ठीक है? दिख रहा है सबको 0 to π/2 लॉग साइन एक्स। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी सबको पता है? ठीक है तो क्या लग रहा है आपको कौन सा ठीक है, विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट वाला। कैसे पता चला? पहले आपने fx को क्या लिया होगा, here fx is log sin, log of sin x, good. So in place of f x we can write f of 2π/2 - x, ठीक है? पाई बाय टू को मैं ग्रीन से ही कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसका मतलब वो बन गया f ऑफ पाई माइनस एक्स, एंड उसका आंसर क्या आ गया, log साइन पाई माइनस एक्स, विच इज नथिंग बट log साइन एक्स, बिकॉज
ये भी वापस क्या है log साइन x, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जो मैं ब्लैक से टू बना रहा हूं, ये जो टू दिख रहा है आपको डार्क कर रहा हूं मैं, ये उतर के नीचे आ गया हो, जैसे एन लॉग एम में होता है प्रॉपर्टी में, ये वाला टू उतर के नीचे आ गया हो जैसे। आया समझ या नहीं? यस सर। मतलब ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो, याद रख सकते हो। तो इसका मतलब हमारे पास एक और इंटीग्रल बन गया, आई इज इक्वल्स टू क्या, ट्वाइस ऑफ जीरो टू, वही ग्रीन से जो पाई बाय टू लिखा था वो तो वहीं पर ही है, लेकिन ये वाला टू नीचे उतर गया है ऐसे, और यहाँ पे वही क्वेश्चन है वापस क्या, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। यानी हम कहाँ पहुंच गए, इस वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए। देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए एज एन एग्जाम्पल। दोबारा बता दूं या समझ आ गया? यस सर आ गया। और कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ आया तो पूछ लेना। सर मतलब हमें पहले जीरो से ए वाली लगा के देखनी है, और अगर उससे कुछ, हाँ मान लो जीरो टू ए से कुछ नहीं हो रहा तो जीरो टू टू ए पे चले जाओ, जीरो से टू ए भी कुछ नहीं हो रहा तो वो भी क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, जीरो से टू ए भी कुछ नहीं हो रहा तो वो कैसे पता चलेगा। तो जैसे अर्चिशा ने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अर्चिशा, इसको और रिड्यूस करने की कोशिश करना तो क्या बन जाएगा ये सर, फोर बाहर निकाल लेंगे तो पाई बाय, मतलब टू इंटू पाई बाय फोर हो जाएगा ना। यस। तो आप ये ऑब्जर्व करो कि क्या पाई बाय फोर कोई क्वाड्रेंट का हिस्सा होता है या पूरा क्वाड्रेंट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट पाई बाय फोर, पार्ट होता है, है ना। तो पूरे क्वाड्रेंट्स कब कब होते हैं, 0 टू 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360, यानी सब कुछ 90 के मल्टीपल्स में चलता रहे अगर तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। जहां आपको लगे कि 90 का मल्टीपल नहीं आया, मतलब ऑल्दो 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 बट इन टर्म्स ऑफ हाफ, है ना, 90 45, मतलब 90 का आधा है पर 9, तो यानी आपको ध्यान रखना है कि तब आपको रोकना है कि 0 टू 2 ए नहीं लगानी। समझ आया हो नहीं आया? सर एक चीज पूछनी है। दोबारा बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हमने स्टार्टिंग में ये वाली चीज क्यों नहीं करी जब, बिल्कुल सही आपने पूछा, वेरी नाइस, बिल्कुल सही पूछा, वो भी कराऊंगा अभी, वो भी कराऊंगा कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जीरो टू टू पाई क्यों नहीं किया, है ना। यस सर। टू इंटू पाई बाय टू क्यों नहीं किया वो भी अभी बताता हूँ, अभी देखना क्या होगा उससे भी, इसके बाद मेरा वही है। अब पहले मुझे ये बता दो, यहाँ तक समझ आ गया या नहीं? यस सर आ गया। यहाँ तक ये जो मैंने बॉक्स बनाया है यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब मैं उसमें से ये वाला जो टू है उसको टू ही रहने देता हूँ, और इसको मैंने इस बार क्या लेट कर लिया, थ्री, ठीक है। तो याद रखना मैंने थ्री लेट किया है इसको, ठीक है। तो लेट आई इज इक्वल टू, आई तो ले नहीं सकते अब, आई वन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स। यहां तक कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। अब दोबारा से प्रॉपर्टी, हाँ बोलो सर। लेकिन है तो वो आई, आई वन क्यों लेट करो? अरे वो आई ट्वाइस ऑफ दिस है ना, तो वो आई नहीं है। ओके सर। हाँ ओके ओके ठीक है। ओके डाउट्स बचे पूछते रहना, फिर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो काफी आई बाय टू ले लेते हैं ना, फिर एंड में तो कट जाता टू। हाँ वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अभी तक हमारा एक मार्क हुआ है इस क्वेश्चन में, अगर ये चार का है तो अभी तीन का मैं करा रहा हूँ अब। ओके अब आई की, आई वन की वैल्यू क्या आ गई, ये इसको हमने ले लिया थ्री, ठीक है ना, थ्री लिया है इसको। ओके नाउ अगेन प्रॉपर्टी लगाओ, तो आई वन क्या हो जाएगा अगर प्रॉपर्टी लगाए जीरो टू ए वाली, एनी वन? अगर हम इसकी प्रॉपर्टी लगाए लॉग कॉस एक्स आ जाएगा, उसको फोर ले लिया। अब एड किसको करना है, एड किसको करना है, थ्री और फोर को, थ्री और फोर को। तो टू आई वन क्या बन गया, टू आई वन जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। यहां तक कोई भी डाउट आ रहा हो तो पहले हैंड रेस करके पूछ लो, यहां तक अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। अच्छा ठीक है। ओके सर ठीक है ठीक है।
ओके नाउ वी नो दैट जो टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है वो साइन टू एक्स होता है ना, है ना? तो यहां पे एक टू की कमी है, तो मैंने टू से क्या कर दिया इसी में, इसी स्टेप में टू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमारा आगे का क्या आ गया, टू आई वन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन टू एक्स बाय टू डी एक्स, am I right? Yes. अब log m by n क्या होता है, log m by n, log m minus log n, log m minus log n, तो ये आ गया log sin 2x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना यहां तक, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं, अब मैंने इसको ले लिया I2, किसको लिया मैंने I2, इसको लिया मैंने I2 sin 2x और उसकी लिमिट्स क्या है, 0 टू पाई बाय 2 क्यों लिया, आपको सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी, बस देखते जाओ अच्छे से। लेट I2 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x dx, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कर दूं, यहां तक कुछ पूछना है किसी ने, यहां तक कुछ पूछना है किसी ने? नहीं सर। ओके तो हमारा लेट क्या आ गया था, आई टू इज इक्वल टू क्या, जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैं अब इसको फिफ्थ नहीं मान रहा, फिफ्थ नहीं मान रहा, मैं क्या कर रहा हूं वो देख लो, क्यों करना है वो सब समझ में अपने आप आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पुट टू एक्स इज इक्वल टू टी, पुट टू एक्स इज इक्वल टू क्या, टी। तो आगे बोलना क्या होगा, टू डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, टू डी एक्स डी टी, डी टी के। और फिर मैं क्या लिख सकता हूँ आई टू को, टू इंटू जीरो, हाँ टू इंटू जीरो इंटू टू इंटू पाई बाय टू, और आगे क्या आएगा, वन बाय टू लॉग साइन टी डी टी। अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, टी क्यों लिया वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा आपको, अभी टी क्यों लिया वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। और यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, नो डाउट, क्लियर, ओके। अब मुझे बताओ I2 की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ एनीवन 0 टू पाई हाफ बाहर लॉग साइन टी डी टी, यही है ना? यस सर, यस, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, एक प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, अगर a टू b f ऑफ x dx है, ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ b f ऑफ t के, यस सर, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी थी, बट अब आपको क्या ध्यान देना है वो सुन लो। मैंने क्या किया, क्या ये जो log sin t है, log sin t है, इसको मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूं, ये वाली ऑरेंज वाली प्रॉपर्टी का यूज करके, ऑरेंज वाली प्रॉपर्टी का यूज करके क्या लिख सकता हूं, एनीवन, एनीवन, जीरो टू पाई लॉग साइन एक्स डीएक्स, ओके, जस्ट चेक इट, कोई डाउट यहां तक, जस्ट चेक इट, कोई डाउट सर? लेकिन हमने तो 2x को t assume कर रहा था, फिर हम t को x कैसे assume कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही सोचा, वो इंटीग्रल का काम खत्म हो चुका है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक बार जब t में चेंज हो जाता है तो वापस उसको x में नहीं आता, वो उसके अकॉर्डिंगली अपने एरिया अरेंज कर लेता है। yes, अब वो जो 2x है उसका काम खत्म हो चुका है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो ये काम खत्म हो चुका है, हमने किसी और ग्राफ को सोच लिया है। अब जब मैंने 2x को t लिया तो हमारा ग्राफ ही बदल गया,
जैसे पहले ग्राफ हमारा x और dx fx पे चल रहा था, अब हमने एक 2x को t ले लिया है, तो हमारा ग्राफ अब उसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो उसका जो एरिया बन रहा होगा उससे हमें क्या कि वो x था क्या था, एरिया तो सेम है ना। यस नहीं आया ठीक है ना, आ गया यहां तक समझ में। अच्छा अब मैं दोबारा से इसको 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकता हूं, 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकता हूं। यस सर ठीक है, तो बताना मुझे क्या आएगा I2, I2 क्या आएगा, इसका 2 नीचे उतर जाएगा प्रॉपर्टी लगा के, तो I2 की वैल्यू बताना, कोई बता सकता है I2 की वैल्यू, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा ना, हाफ I1 हाफ इंटू ट्वाइस ना, हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स, तो टू टू कट गया, टू टू कट गया, कम ऑन फास्ट, कोई डाउट? यस सर ठीक है, मतलब ये वाला जो टू है वो नीचे आ गया, वो कट गया, तो आई टू इसके इक्वल आ गया, मतलब I2 किसके इक्वल आ गया, 0 टू पाई बाय 2 log साइन x, ठीक है चेक कर लो जल्दी से, यहां तक कुछ भी पूछना है तो पहले पूछ लो। अब मुझे बताओ मैंने log साइन x 0 टू पाई बाय 2 को क्या लिया था, याद करो क्या लिया था मैंने इसको, पीछे वाली स्लाइड दिखा रहा हूं, क्या लिया था मैंने इसको, I1 लिया था और I2 किसको लिया था, इसको दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करते करते I2 किसके इक्वल आ गया, I2 किसके इक्वल आ गया सॉल्व करते करते, सॉल्व करते करते I2 किसके इक्वल आ गया, I1 के, जल्दी बता दो कोई डाउट यहां तक, ठीक है ओके नाउ अब वापस बोलता हूं मैं, I2 तो I1 के इक्वल आ गया और I किसके इक्वल था, I किसके इक्वल था, सर 2 टाइम्स I1 ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना अच्छे से, हमारे पास यहां पे ये जो मैं यहां पे आपको स्लाइड दिखा रहा हूं पिंक वाली, इसमें मैं अगर यहां पे I1 लिख दूं बड़ा सा तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा, I1, तो I1 की एक्चुअली वैल्यू क्या है, सिर्फ इतनी जो मैं ये लूप बना रहा हूं, सिर्फ इतनी वैल्यू है I1 की, सिर्फ इतनी वैल्यू है ना I1 की, यस सर हाँ, तो इसका मतलब I2 की भी वही रही होगी, जब I1 की वैल्यू ये आई है तो I2 की वैल्यू भी वही आई होगी, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है जो हमारा टोटल आई है वो ट्वाइस ऑफ I1 था, या फिर कह लो कि ट्वाइस ऑफ I2 था, तो इसका मतलब ये हो गया कि I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2 माइनस log 2 dx इनटू में। अब log 2 की इंटीग्रेशन बताओ, log 2 की इंटीग्रेशन I इसकी हो गई ट्वाइस ऑफ क्या, log 2 तो बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया x विद 0 टू पाई बाय 2 विद माइनस साइन, फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर क्या आ गया सर, पाई माइनस माइनस पाई लॉग टू माइनस पाई लॉग टू, ठीक है। एक और बात कर लिए इस क्वेश्चन को, लग ही रहा होगा सबको कि सर एक बार और ही कराना पड़ेगा ये तो, हाँ सर एक और बार करा, एक और बार शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ना मैं स्लाइड नंबर दिखा रहा हूं आपको, दिख रहा है सबसे पहले, ये सेकंड से हमने स्टार्ट किया था, सेकंड से दिख रही है सबको स्लाइड, ये वाली कह रहा हूं मैं, ठीक है ये देखो स्लाइड नंबर सेकंड से स्टार्ट किया है, तो स्लाइड सेकंड पे क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लो, स्लाइड सेकंड पे क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लो। यस ठीक है ओके, नेक्स्ट स्लाइड क्या है वो देखो, यहां तक हमने I को क्या बनाया था,
हमने आई को कहां तक पहुंच गए थे हम सॉल्व, आई को कहां तक पहुंच गए थे लेके, जीरो टू पाई लॉग साइन एक्स तक। फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने क्या किया था देख लो थर्ड स्लाइड मतलब फोर्थ वाली, फिर मैंने उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, टू को नीचे कोफिशिएंट बनाया था, कोई भी डाउट? यानी जो ये वाला क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है सॉरी log 1 प्लस cos x वाला जो क्वेश्चन है वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई log sin 20 टू पाई बाय 2 log sin x के। देखो चेक करो समझ आ रहा है इतना, हमने हमारा क्वेश्चन यही था ना, i तो वो किसके इक्वल आ रहा है इसके, यानी हमें बेसिकली किसका आंसर निकालना है, कोई बोल सकता है हमें बेसिकली किसका आंसर निकालना है, जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स का। वो मिल जाता है अगर हमें तो हमारा ट्वाइस कर देंगे हम उसको, तो वो मैंने पहले आई वन लिया, उसको आई वन को सॉल्व करते 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 हमें क्या क्या दिख रहा था, हम कहां पहुंच गए, यहां तक, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा से एक चीज करा रहा हूं, वो देख लो, जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स एक बार और करा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसका ट्वाइस किसके इक्वल है, जो हमारा क्वेश्चन था। तो मेरे साथ साथ अगर कोई मेरे साथ वॉलंटियर बनना चाहता हो मेरे साथ साथ बोल सकता हो, तो वो हैंड रेस कर दो ताकि सबको समझ आ जाए, कोई बोलना चाहता है मेरे साथ साथ? ओके पार्थ, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट आई इज इक्वल टू, इसको क्या ले लिया, इसको मैं सिर्फ इसी को करा रहा हूं, सिर्फ इसी को। तो अब आगे बोलो प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या आ गया, आई की वैल्यू सेकंड आ जाएगा जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन पाई बाय टू माइनस एक्स जो हो गया लॉग कॉस एक्स। हाँ, अब मैं छोटे छोटे स्टेप्स स्किप करूंगा। ओके एड वन एंड टू, ठीक है, तो टू आई की वैल्यू सर लॉग इंटीग्रल जीरो टू पाई लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। इसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स देखते हैं हमें क्या करना था, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर, लॉग साइन टू एक्स बाई टू आ जाएगा, जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन टू एक्स डीएक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस जीरो टू पाई लॉग लॉग टू डी एक्स। यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया था सर, टू एक्स को टी कर लिया था, नहीं नहीं पहले लेट ये सर इसे लेट आई वन, आप इसको अभी आई वन ले लो, अभी इसको आई वन ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेट आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाय टू log sin 2x dx, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। अब हमें i2 को किसके इक्वल लाना है किसी तरह से, i1 के, और i1 कैसे निकलता है यहां से, है ना, क्योंकि ये भी i1 हो जाएगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। ओके तो अब पार्थ बोलना, i2 को मैंने ले लिया 0 टू पाई बाय 2 log sin 2 dx, ठीक है। अब मैंने 2x को t रखा था, वो आपको समझ आ गया, ताकि कोफिशिएंट वन हो जाए। 2x को क्या रखा है एक तरह से, बोलो, वन टाइम्स टी। हाँ, यानी आप समझ गए कि मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि वो t का कोफिशिएंट आ जाए। फिर उसके बाद क्या होगा सर, फिर 2dx dt के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log, मतलब डायरेक्टली अब मैं 0 टू पाई बाय 0 टू पाई लिख दूं डायरेक्टली, यस सर, वो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहां पे बाहर हाफ लिख देता हूं, और log sin t d log sin t dt। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि a टू b f x dx किसके इक्वल होता है, a टू b f t dt, t dt के एरिया, एरिया सेम है, तो इसका एरिया किससे मैच करेगा सर, sin x की फॉर्म में जो लिखेंगे, मतलब हमें सिर्फ x को चेंज करना है, तो हाफ हाफ ही रहेगा, 0 टू पाई रहेगा log sin x dx, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करा था,
इसको क्या लिखा था? 2 टाइम्स पाई बाय 2 और फिर 2 नीचे आ गया, फिर 2 नीचे आके कट गया, तो क्या रह गया? 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन लॉग। अब ये देखो ना, ये वही आ गया जिससे हमने क्वेश्चन शुरुआत करी थी, जिससे हमने स्टार्ट करा था वही वापस आ गया। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर? अब आई टू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? आई वन के। और हमें पता था कि जो टू आई वन है वो इसके इक्वल है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जो हमारा 2i1 आया था वो आया था 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx। लेकिन हमने इसको क्या माना था? i2, जो कि किसके इक्वल आ गया? वापस i1 के। तो मैं इस पूरे को हटा के क्या लिख सकता हूं? सिर्फ सिंपल क्या लिख सकते? i1। फिर i1 इधर आ गया क्योंकि इसका कोफिशियंट 1 है, तो 2i1 माइनस 1i1 की वैल्यू क्या हो गई? i1 की वैल्यू आ गई ये 0 टू पाई बाय 2 माइनस log 2 dx। अब इसको सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो कितना आ गया? माइनस पाई बाय 2 log 2 सॉल्व करने के बाद। अब जो हमारा पुराना वाला i था वो 2i1 था, याद करो, यही था ना जो पुराना i था जो मैंने क्वेश्चन लिया था, तो वो उसका आंसर किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल। तो आंसर आ गया, ऑब्वियसली वो डबल हो जाएगा इसका, दैट्स इट। टफ तो लगा, टफ तो टफ था। मतलब क्या लगता है, पेपर में आएगा कि नहीं? सर जितना टफ आना तो चाहिए। ओके, तो ये मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो डेसिमोस पे मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं और ध्यान से देखना, आपको ऐसा फील हुआ काफी सारी प्रॉपर्टीज लग गई एक एक दो दो बार? यस सर। और ना कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन अगर किया ना हो तो बोर्ड में हो जाएगा आपसे? अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं किया होता तो हो जाता क्या बोर्ड में? क्या लगता है? कोई बोल नहीं रहा क्या? मतलब आंसर तक पहुंचना मुश्किल है ना? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक वो लिया। अच्छा, इसमें ये एलन लेगा शायद। क्या हो गया, ग्राफ तो नहीं बन रहा इसका? पहले तो बन, हाँ बन गया, बन गया, एक मिनट। ठीक है, लॉग साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा है सबको? जूम कर रहा हूं मैं, दिख रहा है? तो इसको मैं कॉपी करता हूं समझने के लिए। ठीक है, अब ये देखो, मैंने ये पूरा ग्राफ लिया। क्या मुझे जीरो से लेकर कहां तक का निकालना है आंसर? लॉग साइन एक्स का कहां तक का? पाई बाय टू। पाई बाय टू को ये कहते हैं। तो हमने ये एरिया निकाला है, ये वाला, ये सारा एरिया निकाला है। समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। और मुझे एक बात बताओ, आंसर नेगेटिव आया हमारा जो लॉग साइन एक्स का आया? लॉग साइन एक्स का। यस सर। ठीक है, अब मैं लॉग साइन, क्या था हमारा क्वेश्चन? 1 प्लस कॉस एक्स, उसका भी ग्राफ बना देता हूं अगर इसमें बनता है तो। ये देखो, ये दिख रहा है ग्राफ? तो कॉस डी कहां से आ गया? लॉग कॉस एक्स का। ये दिख रहा है ग्राफ, ये वाला? यस सर। अब इसमें किसका एरिया निकालना था, याद करो सर? 0 टू पाई। 0 टू पाई का, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें कहां से कहां तक का निकालना है? 0 टू पाई का। पाई क्या होता है? 3.14, है ना? ये 3 हो गया, यहां तक मान लू, यहां तक मान लू जो भी ये बन रहा होगा। यस सर। ये वाला सारा एरिया निकालना है, ये वाला सारा एरिया।
क्लियर हो रहा है या नहीं? ये सारा एरिया निकालना है ना? यस सर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये वाला एरिया ऐसे तो समझ आएगा नहीं कि किसका डबल है। प्रॉपर्टीज लगा लगा के ग्राफ को चेंज कर करके बार बार चेंज कर करके क्या पता चला कि जो जीरो टू पाई लॉग वन प्लस कॉस एक्स है वो किसके इक्वल आ रहा है। ये अगर याद रख लोगे तो बेटर है क्योंकि ग्राफ नहीं बना पाओगे वहां पे। ये किसके इक्वल आ रहा है? इसके। ठीक है। अच्छा मुझे एक लास्ट बात पूछनी है फिर मैं वेक्टर 3D स्टार्ट करूंगा कि इसके बाद क्या आप इस स्टेप तक पहुंच गए थे ना? याद करो, मतलब यहाँ पे ट्वाइस आ गया था ना इसको करते करते सॉल्व। yes, ये आ गया था ना। yes, तो ये दोनों ही न्यू क्वेश्चंस है ना? ये भी तो आ सकता है पेपर में सिर्फ निकालने को। ये भी तो आ सकता है ना पेपर में निकालने को। तो क्या कोई इसका प्रीवियस क्वेश्चन बता सकता है? अभी क्या कोई इसका प्रीवियस क्वेश्चन बता सकता है? हिंट मैं दे देता हूं, मैं एक बॉक्स बना देता हूं। हिंट, कम ऑन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। सर, 2 cos² x। वेरी नाइस। अगर आपके पेपर में ये आ गया क्वेश्चन बाय चांस तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? ये और इसके बाद वाला स्टेप ये। अच्छा ये किसका स्टेप हो जाएगा? ये किसका स्टेप हो जाएगा? इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। log 2 plus log cos square x by 2। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो आपको जब क्वेश्चन देंगे ना, वो जब आपको क्वेश्चन देंगे तो वो आपका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से घूम फिर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आ जाएगा और उसके बाद आपको करना आता है। एम आई क्लियर? मतलब वो जो भी क्वेश्चन देंगे वो फॉर्मूले लगा के कुछ भी करके प्रॉपर्टीज लगा के जैसे भी करके आपको किसी तरह से वो यहां पे पहुंचा देंगे। Have you understood? चेन समझ में आई? चेन? Yes, sir. ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ये जो मैं रिकॉर्डिंग अभी जो हो रही है वो दोबारा तो देखोगे ही क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में हमने देखो कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हो जैसे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हो। अब हमारी कौन सी प्रॉपर्टी जर्नली नहीं यूज हुई अभी तक वो चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टीज निकालता हूं और आप मुझे बताना अभी तक आपकी किसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं यूज हुई। ये यूज हो गई, P0 यूज हो गई। यस सर। यस सर। ओके, P0 यूज हो गई है। ठीक है, मैं एक मिनट इसको कॉपी कर लूं, जस्ट बेटर रहेगा समझने में। ठीक है, तो ये यूज हो चुकी है, इसका यूज समझ आ गया तो इसको मैं काट देता हूं। सेकंड वाली अभी तक यूज नहीं हुई ना? सेकंड? नो सर। ओके, थर्ड भी नहीं हुई? नो सर। फोर्थ, मतलब ये वाली? नो, अभी तक नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ ना अभी इसका। ठीक है, फोर्थ हो गई? yes. बहुत बार हो गई फोर्थ तो sir? फिफ्थ तो मैंने डिस्कार्ड ही कर दी थी। सिक्स्थ भी हो गई और सेवंथ भी हो गई। हाँ बच्चे, कुछ पूछा था कोई? सर P3 भी हो गई है एक ख्याल, क्योंकि P4। हाँ, एक तरह से P3 भी हो गई है, बट मेरा मन है कि आपको एक क्वेश्चन और करा दूं इसका। ठीक है, तो मैं इन तीनों का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप मुझे बताना समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो इन तीनों का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। तो NCERT के कर लेते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसका कहा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन कॉपी किया, मेरी हेल्प करना सब इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करूं? सबको पता है, फिर इसको हाईलाइट कर दूं।
ओके इसको आई लेट कर देता हूं मैं, ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर फर्स्ट ले लिया इसको, आगे क्या करें बच्ची? सर फिर इसको प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये आ गया पाई माइनस एक्स, ये आ गया साइन पाई माइनस एक्स, और ये आ गया ऐसे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नीचे भी तो आएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता? अब मैं क्या करने वाला हूं इन दोनों को ऐड, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दो कि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, पर यहाँ पे स्क्वायर की वजह से वो वापस क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो जब मैं ऐड करूंगा वन एंड टू को, जब मैं वन एंड टू को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टू आई इज इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाय टू एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई बाय टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स, सॉरी पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, पाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कट जाएगा तो पाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। अब ऑब्वियसली आपको पता है आप कॉस एक्स को क्या पुट करने वाले हो, कॉस एक्स को क्या पुट करने वाले हो, टी, इतना समझ आ गया, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के। अब लिमिट चेंज कर रहे हैं कोई, इसकी लिमिट 2y की वैल्यू क्या आएगी, एनीवन? तो इसके आगे कॉस कॉस लगा दो सिंपल समझने के लिए, कितना आएगा कॉस जीरो क्या होता है, वन टू माइनस वन, है ना, अजीब सा लग रहा है, वन टू माइनस वन, छोटा बड़ा नीचे छोटा ऊपर, तो गलत जा रहे हैं, अभी देखना ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा ऊपर क्या आएगा, माइनस डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, कोई डाउट यहां तक, और साथ में पाई चल रहा है, पाई को मैंने बाहर निकाल दिया, पहले ये वाला बॉक्स देख लो, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। सर ये कैसे पता लगा कि इस पॉइंट पे आके cos x को t लेना है? अरे वो तो आपकी मेहनत है cos x, क्योंकि ना स्टार्टिंग में अगर हम करते तो ये x था ना, अगर मैं स्टार्टिंग में cos x को t लेता, ठीक है ना, और वैसे भी आपकी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है तो आप स्टार्टिंग में t थोड़ी लेते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, प्रॉपर्टीज का है, वो आगे जाके सब्स्टिट्यूशन का बन गया। दोबारा करूं, जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज लगवाई आप, उन्होंने आपसे, और उसके बाद सोचना है, स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन नहीं सोच सकते क्योंकि प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ये अभी भी नहीं क्लियर हो रहा? यस सर हो गया क्लियर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, टू वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, जिसका मैं माइनस बाहर निकाल के लिख सकता हूं, है ना। अब याद करो कि माइनस बी टू ए, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है सर, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो हमारे पास टू वाई की वैल्यू क्या बन गई, टू वाई की वैल्यू एनी वन सर, टू आई की बन गई हमारे पास पाई माइनस वन टू वन डी टी अपॉन वन प्लस टी। देखते हैं इसके बाद वाला स्टेप कौन बताता है, मजा आ जाएगा जिसने बता दिया। सर वो माइनस ए टू ए है। वेरी नाइस, माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी लगेगी अब, वेरी गुड। तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, क्या पता आपको? सबसे पहले आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस, पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी सर, कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले आपको एक्स को उसमें लाना पड़ेगा टी में। अरे वाह बच्ची, आपको सबको समझ में आ गई है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है जब आपने आंसर्स दिए, मैं सोचा था कोई देगा नहीं, मजा आ गया सुन के सबका। ये आ गई, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, माइनस वन टू वन डी एक्स अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अब कौन सी लगेगी प्रॉपर्टी, कम ऑन फास्ट सर, ये माइनस वन टू वन वाली, हाँ माइनस वन माइनस ए टू ए वाली, उसमें एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, सेम हो गया अपॉन वन प्लस एक्स, यानी वो प्लस एफ एक्स के इक्वल आ गया, ये समझ आ रहा है, प्लस एफ एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। तो कोई बता रहा है मुझे 2y की वैल्यू क्या हो गई, 2y की वैल्यू 2 pi 0 to 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो 2 2 कट कर दूं, ओ सॉरी पाई भी था, सॉरी 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 सॉरी, सब में पाई तो चल ही रहा है, सब में पाई है बचे, बाय मिस्टेक मेरे से रह गया, सब में पाई है, ठीक है। सो यहां पर भी पाई है, तो 2 2 कट गया, i की वैल्यू क्या आ गई, पाई पाई, एनीवन सर, टेन इनवर्स एक्स, ओके वेरी नाइस, 0 to 1। अब 0 to 1 में कैसे पता चलेगा कि 2 into 1/2 नहीं करना, एनीवन 0 to π/1 में कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपका ये वाला आंसर बहुत सिंपल है कि टेन इनवर्स 1 आपने ज्यादा नोटिस किया होगा एज कंपेयर टू टेन इनवर्स 1/2। और हाँ जैसे अगर माइनस वन टू वन है तो तब हम ये नहीं कर सकते tan इनवर्स x, फिर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लेकिन प्रॉपर्टीज जो है ना उनका यूज कर करके ही सीखोगे, बहुत बच्चे करते हैं पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज स्ट्रांग नहीं हो सकती, फिर बहुत बच्चे इसके बाद निकाल देते हैं आंसर इसको ऐसे करके, पर मत करना, पर मत करना, मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे पता है ना आगे जाके आपके साथ क्या हो सकता है, फिर वो फिर आपको प्रॉपर्टीज में हमेशा ना एक कॉन्फिडेंस लो रहेगा, आप ऑलरेडी देख रहे हो ना क्वेश्चन किस लेवल के हैं, और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज आपको जबरदस्ती प्रॉपर्टी यूज करते रहनी है, आप देखना आपका बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। आई की वैल्यू बताना कितनी आ गई बची, पाए और पाए बाय फोर है ना, और कितना आ गया हमारा आंसर, पाई स्क्वायर बाय फोर, गुड। एक बार चेक करवा दूं ये वाला आंसर, एक बार ये वाला आंसर चेक करवा दूं, देखो उन्होंने जो भी किया हो, देखो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो उन्होंने जो भी किया है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, वो मत देखना जो किया हुआ है, आपको अपना पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने करा है ना, ये देखो, देखो यहाँ पे करा है इन्होंने, क्लियर, पाई स्क्वायर बाय फोर आ गया सबका आंसर, और साथ में वो भी लिखना था, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इवन फंक्शन, याद है ना, इवन फंक्शन, कोई डाउट, क्लियर सर, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज नहीं हुआ चेक कर लो एक बार, और अभी तक और कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज नहीं हुआ, कौन सी रह गई, ये दोनों रह गई अब मेनली, ये दोनों रह गई अब है ना, ये दोनों अब इनका भी कर लेते हैं एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं, वेक्टर सीडी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, एक क्वेश्चन लिया रैंडमली लिया, -6 to 0 mod x + 3 dx, प्रियांशु इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर दो, इंटीग्रल -6 to 0 mod x, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जीरो से स्टार्ट तो हो नहीं रहा तो मेरे को इसको आई तो लेना नहीं, तो मैंने क्या किया, यहां पे ग्राफ बनाना आता है ना सबको, इसका ग्राफ, ग्राफ बन जाएगा ऐसे, यस सर, ठीक है। अब यहां क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली, ठीक है, अब इस बात को रिप्रेजेंट करना है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स प्लस थ्री, तो हम कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री कब से कब तक,
x is less than minus 3, x is equals to minus 3 पे क्या हुआ होगा 0, और x greater than minus 3 पे क्या हुआ होगा plus x plus 3. यहां तक कोई डाउट? तो कोई मुझे बता रहा है कि ये कौन सा fx है, ये वाला minus of x smaller than minus 3. ठीक है, और ये वाला कौन सा है जो मैं ग्रीन से कर रहा हूं? पॉजिटिव ऑफ x plus 3. तो क्या कोई बता रहा है मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ ये दोनों एरियाज निकालने में? सर सेकंड वाली. पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस सिक्स से लेकर जीरो के बीच में माइनस थ्री आ रहा है, तो माइनस सिक्स टू माइनस थ्री क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस क्या लिखूं? माइनस थ्री टू जीरो प्लस ऑफ एक्स प्लस थ्री डी एक्स. कोई भी डाउट यहां तक? अब इसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता है, सिंपल सॉल्विंग है इसके बाद. और आपको ना पहले से इसका आंसर पता होगा. पता है कैसे? इसका बेस बताना कितना है? सर थ्री. थ्री. और इसकी हाइट क्या है? थ्री. इसमें माइनस सिक्स डाल दो. हाँ, तो वो हो जाएगी थ्री. तो इसका एरिया कितना आ गया? नाइन बाय टू इस ट्राइंगल का. अब दूसरे वाले ट्राइंगल का बताना, वो भी नाइन बाई टू ही है. तो आपको पहले से पता है इसका आंसर क्या आने वाला है? Nine. अब ये क्वेश्चन किसका लिया मैंने? कौन सी प्रॉपर्टी का है? P2. ओके. और अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूं कि 8.1 एक्सरसाइज में भी है, तो क्या बोलोगे आप उसको? इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर यूनिट्स. आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं? Yes, sir. ठीक है. तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द प्रॉपर्टी ऑन द प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है. ओके. तो वो क्वेश्चन है ये वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिस क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और फिर आपकी प्रॉपर्टीज खत्म. ये क्वेश्चन है. ठीक है, अब सबसे पहले रूट टेन एक्स है तो किसमें चेंज करोगे आप उसको पहले? साइन एक्स कॉस एक्स. साइन एक्स कॉस एक्स. बताना मुझे और करके क्या लिख सकते हो क्वेश्चन को? सर रूट कॉस एक्स अपॉन रूट वन प्लस साइन एक्स. वन प्लस रूट साइन एक्स. हाँ, क्या क्या क्या? रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. यस सर, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ना. हाँ, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. रूट कॉस एक्स. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता? जिसने होमवर्क किया होगा उसको थोड़ा थोड़ा आ गया होगा करना अभी तक. ठीक है, अब मैं क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. क्योंकि ना जीरो है ना कुछ है, सिंपल सा है. तो कोई बता रहा है मुझे आई की वैल्यू क्या ली थी मैंने? इसको तो मैंने फर्स्ट लिया था ना, और वो स्पेशल केस है 0 टू a वाला इस प्रॉपर्टी का. तो देयरफॉर आई की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाय 6 टू पाई बाय 3. 30 डिग्री टू 60 डिग्री कितना आ गया? कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस x. और नीचे भी क्या आ गया? साइन के साथ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस x प्लस रूट ऑफ कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस x dx. कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना. एनी डाउट? नो सर. ठीक है, अब मैं ये बताऊं मुझे cos 90 माइनस x क्या होगा? sin x. ये sin x बन जाएगा, ये cos x बन जाएगा और ये sin x बन जाएगा. जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा कट के एलसीएम लेके? 1. तो 2y की वैल्यू आ गई पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 dx. आगे बताओ आंसर.
सर टू आई का आ जाएगा एक्स पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स वो पाई बाय सिक्स ही होता है पाई बाय ट्वेल्व ग्रेट वेरी नाइस क्या लगता है ये क्वेश्चन 8.21 में होगा यस सर है ये सोच के देखो सोच के अब आपको पता चलेगा कि उन्होंने 8.1 में क्वेश्चन कैसे डाल रखे हैं एक बार दोबारा बोलो क्या आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो डायरेक्टली अरे मना करो ना नो सर प्लॉट नहीं कर सकते नहीं कर सकते ना इसका कर सकते थे जो भी मैंने पीछे कराया यस सर तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की और डेफिनेट इंटीग्रल्स के कॉमन क्वेश्चन कौन से हो गए जिनका ग्राफ भी बन सकता हाँ और जिनका ग्राफ आप नहीं सोच सकते इमेजिन नहीं कर सकते वो सिर्फ इसके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के और जिनका ग्राफ बन सकता है और जिसमें प्रॉपर्टीज लगाने का कोई फायदा नहीं है वो किस में चला गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट इज गोइंग ऑन इन एनसीईआरटी पॉसिबल हो सकता है ना क्या 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 दोबारा बोलो सर इसका ग्राफ तो पॉसिबल है वैसे तो हाँ पॉसिबल तो है मेरे बच्चे मेरा कहने का मतलब है कि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे ना उस ग्राफ को यू हैव टू प्लॉट दैट ग्राफ अच्छा मॉड्यूलस का ग्राफ था वो बड़ा इजी था बड़ी जल्दी बन जाता है आपसे तो वो डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है एरिया में लेकिन ये वाला क्वेश्चन सिर्फ किस में आ सकता है जो आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है सिर्फ किस में डेफिनेट में आया समझ यस सर मजा आया सबको या डर लगा है अरे कोई बोल नहीं रहा ऐसा क्या करा दिया मैंने आज प्रॉपर्टीज में मजा आया नहीं आया यस सर अच्छी थी तो आप सब क्या करना पहले तो एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना आई नो कि आपने बहुत सारा आपको बहुत सारा देखना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा ठीक है तो 7.11 आप खुद कर सकते हो ठीक है अब हम मिसलेनियस पे चलेंगे और साथ साथ वेक्टर्स 3D करेंगे ठीक है तो मुझे पता है आप सबको लग रहा होगा कि सर इंटीग्रेशन इतनी सारी है और आप कह रहे हो कि वेक्टर्स 3D उससे भी ज्यादा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता यही CBSE का जो भी इन्होंने किया मैं कुछ नहीं कर सकता करना है तो करना है मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ डेली करते रहो ठीक है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू कि स्कूल खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं कब बोर्ड के पेपर होंगे नहीं होंगे वो होता रहेगा बट अब फिर कह रहा हूँ बाद में इंटीग्रेशन नहीं हो सकती वो आपको दिख गया होगा अब तक दोबारा इंटीग्रेशन इज लाइक कि यार क्या बात कर रहे हो सर दोबारा इंटीग्रेशन इतने सारे क्वेश्चन दोबारा से नहीं हो सकता इतने लिमिटेड टाइम में नहीं हो सकता हाँ अगर जून जुलाई में स्टार्ट हो गई होती तो मैं कह सकता था कि दो बार हो सकती है तीन बार हो सकती है चार बार हो सकती है बट नाउ इन 3 months विद इन अ लिमिटेड टाइम ऑफ 3 months इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ठीक है तो इसलिए एक ही बार करना है अच्छे से करना है रिवीजन कराऊंगा ऑब्वियसली रिवीजन चलती रहेगी बट प्लीज मैं फिर बोल रहा हूँ दोबारा से बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग्स देख के सारी 7.11 खुद से कर लेना और कोई डाउट्स वगैरह हो तो मुझे बता देना इज इट क्लियर हाँ सर जो अपने पहला क्वेश्चन कराया था लाइक लॉग 1 प्लस कॉस एक्स उसे 0 टू पाया था तो हमने स्टार्टिंग में पाई को 2 इनटू पाई बिल्कुल बिल्कुल आप अपना क्वेश्चन पूछ लो जैसे आपने ये बोला ठीक है आप अपना बोलो मैंने ना इसको 0 टू पाई बाय 2 कर दिया बोल क्या लिखूं अब मैं इसको सर 2 नीचे आ जाएगा और नहीं 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 पहले वो तो करो मतलब इसका वो तो लगाओ fx तो लगाओ कमॉन बिल्कुल सही बोल रहे हो एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ क्या लिखूं पाई माइनस एक्स हाँ सर ठीक है तो क्या क्वेश्चन चेंज हो गया यस सर लेकिन हमने जो 0 to 2 वाली प्रॉपर्टी करी थी उसमें क्वेश्चन सेम रहता है बस साइन चेंज हो जाता है हाँ तो आप जब ये लगा रहे होगे ना प्रॉपर्टी तो आपको एकदम से लगेगा अच्छा इसमें तो लगी नहीं सकती फिर आपको एकदम से ये वाला मेथड हो जाएगा आपके पास वो तो प्रैक्टिस करके आएगा बच्चे उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपको पहली बारी में पता हो कि ऐसी करना है
वो हो ही नहीं सकता, ये चैप्टर ही ऐसा है। इवन वेक्टर्स 3D में जब मैं कराऊंगा उसमें भी आपको बहुत अलर्ट रहना है और डेली रिकॉर्डिंग्स प्रैक्टिस करते रहनी है, नहीं तो एंड ऑफ द मंथ मार्च में सब कुछ एक तरह से मेस्ड अप हो जाएगा कि आपको आपको लगेगा कि यार मेरा पूरे दिन में 24 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, सोने का टाइम तो दे दो, ऐसे फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, वो मत लाना, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, आज का काम सबको समझ आ गया, 7.11 बाय चांस आज वेक्टर सीडी नहीं स्टार्ट हुआ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट कर लें। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके बच्चे, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सर।